तेरी दिन प्रतिदिन सुंदर होती जा रही है। खाने को बोला तो चाटने को नहीं बोला था। तूने घर पे बात ही कर ली, कह रही मम्मी को बताना, घर पे बताना, थोड़ी पापा को बता। मैं Hey everyone, welcome back to my new vlog. आज का व्लॉग बहुत शानदार होने वाला है। आज मैंने पहले तो देखो दाढ़ी वगैरह कटा ली है, मैंने बाल वगैरह भी कटिंग करा ली। मैं कहा प्रॉपर अच्छे से बन के जाऊँगा, नहा धोकर जाऊँगा, नहा धोकर मैं रेडी भी हो चुका हूँ। पापा ने देखो ये पूरा पेंट करा दिया, ऊपर पेंट वगैरह भी फिनिश हो गया। आज काफ़ी सारे काम है, मतलब मुझे कुछ वेडिंग कार्ड्स दिए हैं जो मुझे दे कर आने हैं, और मैं रूपाली के पास भी नहीं गया अभी, तो फिर मैं सोच रहा हूँ मैं रूपाली के पास ही जाऊँगा, तो लॉन्ग ड्राइव पे निकल पड़ेंगे। दूर दूर कार्ड्स देने हैं तो दोनों साथ जाएंगे, सबको कार्ड्स भी दे देंगे और लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, और साथ ही में आइसक्रीम वगैरह भी खिला दूंगा मैं उसको, क्योंकि आज गर्मी बहुत हो रही है तो आइसक्रीम वगैरह भी खिला दूंगा ना, तो गर्मियों में आइसक्रीम से बेटर और क्या हो सकता है। लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और आइसक्रीम लेट भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा, है ना, सारे काम हो जाएंगे। तो चलो सीधा रूपाली के घर पर मिलते हैं। रूपाली के घर पर तो मैं पहुँच गया, और मैं तुम्हें ना बताता हूँ कि कल मैं रात को एक शॉप पर भी गया था जहाँ पर मैंने रिंग्स देखी थी काफ़ी सारी। मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं उसको ग्रैंड प्रपोजल करूँ तो मैं उसको एक रिंग भी दूँ, बट वो रिंग्स वगैरह के ना काफ़ी मतलब पुराने पुराने से डिज़ाइन से थे, तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा एक दो दिन तक मस्त मस्त डिज़ाइन आ जाएंगे, तो तुम आ जाना फिर ले जाना। तो अब एक दो दिन में वहाँ डिज़ाइन भी आ जाएंगे, तो वो रिंग भी लेंगे, उसके बाद एक ग्रैंड मतलब तरीके से प्रपोज करेंगे उसकी। मैंने प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं साइड बाय साइड में उसकी प्लानिंग भी कर रहा हूँ। साइड बाय साइड अनु की शादी का काम भी चल रहा है और मैं ये भी देख ही रहा हूँ, क्योंकि एक बार तो कर ही दूंगा मस्त तरीके से। आगे रूपाली आगे आगे आज तो वही, ये तो और दिन प्रतिदिन सुंदर होती जा रही है, आज तो और भी सुंदर लग रही है। क्या हो गया रूपाली तुझे, तू दिन प्रतिदिन सुंदर बनती जा रही है, और तेरे बाइसेप को क्या हो गया, अंडरटेकर को टक्कर दे रही है तू? अरे नहीं, बाइसेप बड़ा हो रहा है तेरा, सही है, क्या बात है। ये माता का प्रसाद यार, राइट हैंड से लेते हैं, दोनों हाथ से लेते हैं। तू आज बन ठन के किसकी शादी में जा रही है? तेरी। तू इतनी बन ठन के कहाँ निकली हुई है? घर वालों को ले जाइयो, देख ना वहां रख दे, ऊपर रख दे, ऊपर चलेगी गाड़ी तो सब चलेगा। क्या बात है रूपाली, सुंदर लग रही है, तो तैयार है तू आज? हाँ। तो बता ना आज का क्या प्लान है? क्या लॉन्ग ड्राइव जैसा बताया था तेरे को? अच्छा हाँ, और अनु भैया के शादी के कार्ड भी दिख रहे हैं, वो भी देने और लॉन्ग ड्राइव साथ साथ करेंगे। यस, रेडी रेडी। फर्स्ट डेस्टिनेशन पे हम पहुंच चुके हैं, और इसने इतने मजे दिला रही है ना, तो मजा आ रहा है। वैसे तू बता, प्यारी बात है, तू हेयर कट वगैरह करके आया है? इसने हेयर कट तब नहीं पहचाना जब मैंने तब देखा ही नहीं उनकी, बिल्कुल ना, अभी पता नहीं तुझे देखने में शर्म आती है। पर वैसे तू करा क्या है? हेयर कट कराया, दाढ़ी दूड़ी बनाई है, मुझे भैया पूछने आ गए, पर पहले मैं भैया से डील करूंगा फिर इससे डील करूंगा। रूपाली, सुमित भैया, सुमित से मैंने उसको कॉल करके बुलाया, सुमित। हाँ, जब ना मैं मेन करा कर आया कि भाई मतलब थोड़ा सा दाढ़ी दूड़ी प्रॉपर बना के जाता, तो अब इसने नोट लिख रहा आते ही, मैंने बोला भी नहीं, मैंने कहा खुद नोट करेगी। मैंने देखा ही नहीं, मैंने देखा अभी, तू रास्ते में थोड़ा देखा था, बताइए जवान लग रहा। क्या ही बोले यार कोई इसको। तो चलो अभी मैं अपने दोस्त के घर पे आया था, सबसे पहले मैं उसको कार्ड दे देता हूँ, तो फिर उसके बाद हम निकलेंगे आगे। और अभी हमने पता याद नहीं क्या करना है, आइसक्रीम खानी है हमने यार। गला खराब है चुका हमें, तुझे नहीं पता, कोल्ड और रखा है, गला भी खराब है 2-3 दिन से। भाई यार मैंने इसको कॉफी के लिए कहा तो इसको चाय पीनी थी, मैंने आइसक्रीम कहा तो इसका गला खराब है। तो तुझे नहीं पता मेरा 2 दिन से, तुझे नहीं पता, खा लूंगी और बीमार हो जाऊंगी, पर खाऊंगी मैं, मुझे आइसक्रीम खानी है ये। ठीक है, मेरे कार्ड पे नाम लिख देता हूँ। फिलहाल अभी ना मैं 3-4 कार्ड्स दे चुका हूँ रिलेटिव्स को, काफी दूर दूर, एक तो ना दूर दूर है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और अभी इसने मुझे एक बात बताई कि इसने अपने घर पे बात कर ली है। घर पे नहीं की है यार, मम्मी को बताया। अब मैं बताऊँ नहीं, तेरी तरह तो हूँ नहीं, मैं हर चीज मम्मी को बता देती हूँ भाई, मैंने बता दी है, पर अभी पापा को थोड़ी पता है। तो क्या कहा आंटी ने? मम्मी ने बोला कि पापा से बात कर वरना मैं बता दूंगी।
तो अभी बताना तो पड़ेगा, वरना पापा कहीं बोल दे कि हाँ जी ठीक है कि अगर किसी की कॉल आई लड़का अच्छा निकला, फिर लड़का अच्छा ही है, ये लड़का अच्छा है तो घर में बात क्यों नहीं कर रहा है। इसने मुझे अभी बताया भाई कि कहती है कि मैंने अपनी मम्मी को बता दिया और मैं इसको बोल रहा हूँ कि तूने घर पे बात ही कर ली, कह रही मम्मी को बताना घर पे बताना थोड़ी पापा को बता, मैं ये कौन सा। अरे मम्मी का थोड़ा ऐसा चलता है, मम्मी को हर चीज मैं बता ही देती हूँ, अब मेरा ऐसा होता है मम्मी को हर चीज सब कुछ बताती रहती हूँ, तो अभी तुझे पहले घर पे बात करनी पड़ेगी फिर मैं पापा से बात करूंगी। हाँ अभी मेरे को क्या देख रहा है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ बात, तो मैं तो करूंगा पर मैं दो चार दिन बाद ही करूंगा भाई। अन्नू की मुहूर्त नहीं निकाला है, अन्नू की शादी होगी मैं तभी तो करूंगा यार घर पे, रूपाली जैसी अभी शादी होगी आराम से प्रॉपर, मम्मी पापा इतने बिजी हो रखे अभी अभी मैं बोलूंगा। सही है ना, तुझे थपेड़े भी लगे, सही बात है वैसे यार, बिजी चल रहे हैं तो बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और ऊपर से उनको ये भी होगा कि हाँ अरेंज मैरिज में लड़की वगैरह ढूंढनी पड़ेगी, पड़ी लव मैरिज चले यार लेके आ रहा, चलो भाई कर देते हैं ना कभी नहीं। ये चीज रूपाली मैंने सोचा नहीं कि अगर वैसे में डांटेंगे भी या बोलेंगे भी या कुछ भी कहना होगा, अभी बिजी चल रहे हैं ना तो अभी और नाराज भी नहीं हो सकते कि तुझसे काम भी करवाने और रिश्तेदारों ने भी अभी घर पर आना चाहिए ना। भाई मैं भी मम्मी को ही बोलूंगा, हाँ, मैं भी मम्मी को ही बोलूंगा क्योंकि पापा से यार डर लगता है। ओखा ही काम है, चल अभी फिलहाल मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ, मैं मतलब बेसिकली मैं यहाँ पर इसलिए रुका था कि यहाँ पर आइसक्रीम वाला था, आइसक्रीम लेने के लिए आया था, तो कौन सी आइसक्रीम है। चल वैसे मेरी मर्जी है, मैं लेकर आऊंगा तो मैं खुद ही लेकर आऊंगा, चलो मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। बताओ घर पे बात कर ली इसने यार अपने, डर लग रहा है मुझे, चलो फिलहाल आइसक्रीम का मजा लेते हैं। आइसक्रीम मैंने दो ले ली है, चॉकलेट में लिया चेरी के साथ क्योंकि चेरी मुझे बहुत पसंद है, ये वाली ले वाली क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा चेरी ना, मुझे चेरी अच्छी लगती है, तो चेरी अच्छी लगती है मेरी वाली में ज्यादा है, ये भी खा ले मुझे नहीं अच्छी लगती, क्यों बिल्कुल भी पसंद, खाने को बोला था चाटने को नहीं बोला था। एक तो इसने बोला कि खा ले, मैंने इसकी वाली चेरी खाई ऊपर से भगवान का साम पहले का तो पता नहीं, अब ना मुझे भाई डर लग रहा है, भाई मुझे घर पे बोले बहुत डर लग रहा है, भगवान के सामने कह रहा हूँ यार पता नहीं है भाई, मतलब डर लग रहा है ये बोल रहा हूँ, बोलूंगा मम्मी को पर डर लग रहा है, मुझे तो पहले बात मुझसे करने से पहले घर पे करनी थी। अबे पहले लड़की तो मैं सेट करूंगा ना, घर वाले को तो तभी बताऊंगा, जब हिम्मत ही नहीं घर पे बात करने की तो क्यों, हिम्मत मतलब हिम्मत की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि डर लग रहा है थोड़ा, डर तो लगता है। अन्नू भैया रोनी को, अन्नू और रोनी तो यार भाई है दोस्त है, वो उनको तो मैं बोल दूंगा, वो थोड़ा सा मुझे टीज करेंगे बोलेंगे ऐसा ही होगा, बट ऐसा नहीं है कि मैं उनको बोल नहीं सकता, उनको तो बोल दूंगा, वो तो भाई है। मम्मी पापा को बोलने में डर लगता है यार, मम्मी पापा को बोलने में डर लगता है, क्यों नहीं लगेगा यार, डर लगेगा ऑब्वियसली, चल तूने बोल दिया, माउंटेन ड्यू ले लियो, क्या था यार हमारी उधर एक थी ना लड़की, तो उसका नाम था स्वाति, तो हम बोलते थे डर के आगे जीत है, स्वाति का बॉयफ्रेंड सूट जीत है। ये बातें ना करिए सबके सामने, सब बोल देंगे रिजेक्ट, मजाक कर रहा हूँ। ये बातें ना करती मेरे घर वालों के सामने, तेरे से पहले मेरे मुंह पे मुक्का मारेंगे ये लड़का लेके आएगा, इस लड़के के लिए तो लाइनें लगी हुई हैं, ऐसे ही लड़का नहीं चाहिए फिर मुझे, मुझे ये चाहिए जिसके लिए कोई लाइनें ना लगे, क्योंकि वो फिर मेरा ही रहेगा ना, जिसको इतना घमंड है मेरे लिए लाइने, अबे घमंड नहीं है, वो हर जगह चला जाएगा भाई, चला गया तो क्या, लाइने तो लगी है यार, एक दो लाइन देख लूंगा, एक लाइन चीज मेरे को पसंद भाई, एक लाइन से इसने मेरा करेक्टर ही मतलब अलग कर दिया, इसने कहा कि घमंड, मैंने ये कहा कि इस लड़के के लिए लाइने, यार वो बोलने की बातें होती है, और मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि घमंड, मतलब बात के बीच में एक लाइन बोल दिया इस लड़के के लिए लाइन लगी है, उसका मतलब ये थोड़ी की घमंड है, बताओ ये लड़ाई देख ली ना घर वालों ने, तो दोनों को ऐसे थप्पड़ लग रहे हैं, सही बात है, आगर लड़ा घर वाले कहेंगे ये रहेंगे लंबे टाइम तक, ये रहेंगे साथ, उनको काम करते हैं पहाड़ वाली साइड चलते हैं, ठीक है ड्राइव करते हुए, क्यों मस्त ड्राइव पे चलेंगे,
अभी दो रह गए, वो कल दूंगा। दो कार्ड्स रह गए, उनको मैं सोच रहा हूँ कल ही दूं अब। ठीक है, अब ड्राइव पे चलते हैं, एक लंबी सी सीट बेल्ट लगा ले भाई। यार एडिट कर रही, रुक जा, लगा सीट बेल्ट तो लगा ले भाई, लगा दे। और कैसे करूंगा यार, क्या ढंग है यकी, इसको हाथ में उठा। छी भाई, लेट्स गो गो। पर तेरी यार मगदा पीरे, तू जो नैना चित लगाया है, शराबी रंग लाया तेरे इश्क च होया मैं मलंग सजना, तेरा होने लगा जब से मिला, कुछ भी गया जब से हिला हूँ, हिला हुआ भाई मीठा खोल दे, बन जा बढ़ जा तू मेरी इश्क़ की चाशनी। यार मैं रूपाली को रूपाली के घर पे ले आया, ड्रॉप कर दिया काफी। मेरा घर पालमपुर में है। पालमपुर में ऐसा घर, यहाँ पर मैं जहाँ पर ये रहती है रेंट पर, मैं वहाँ पर इसको ड्रॉप करने आ गया हूँ। ठीक है, खुश? और थैंक यू। थैंक यू क्यों? आइसक्रीम। कोई ना, ये मेरा फर्ज था। और आज का दिन बड़ा मस्त रहा, एक लंबी ड्राइव पर जाकर आया। क्या बात है, थैंक यू बोलने की इसमें क्या बात है, ये मेरा फर्ज था खिलाना। पर एक लंबी ड्राइव पर जाकर आया, बड़ा मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया, तुझे भी मजा आया होगा मुझे पता है। तो मजे आते हैं घूमने फिरने। गाने सुने हमने दबा के इतने सारे, तो चलो फिलहाल अभी मुझे अनु की कॉल आ गई थी तो निकलना पड़ेगा। चलो ओके, बाय 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 रूपाली, बाय 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 बाय। तो चलो यार अब मैं भी निकलता हूँ, और ना मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी कि घर पे बात करनी पड़ेगी। रूपाली ने अपनी मम्मी से बात कर ली यार, और अब क्योंकि मुझे भी घर पे बताना ही पड़ेगा। अब डर लग रहा है कि बोलना क्या है, कैसे बोलना है। पहले अनु रानी को भी बताऊंगा और फिर मम्मी को बताऊंगा, पर देखते हैं। और जो मैं ग्रैंड वो प्लानिंग कर रहा था ना कि रिंग दूंगा ऐसे कुछ करके करूंगा, उसके लिए भी अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले घर पे बात करूँ या वो करूँ, कंफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा। अब एक चीज डिसाइड करूंगा, क्योंकि वो प्लानिंग भी मेरी साइड बाय साइड चल रही थी। अब मम्मी वापस से बात करनी पड़ेगी, उसने भी कर ली, तो अभी देखते हैं। तो फिलहाल आज के व्लॉग के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।